देखो देखो कौन आया। घर से खाना ले जाने का फायदा हो गया। फुल थाली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं राजकोट, चोटीलाल, सारंगपुर, बगुड़ा, इसे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बजे है 7। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, आई एम मिलन। आप लोग कैसे, होप करता हूँ आप मेरी तरह बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो अब निकलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। तो अपना हेलमेट का बियर वाइजर निकालेंगे और बियर वाइजर डालेंगे, क्योंकि हम डे में ही राइड करने वाले हैं, रात को राइड करने वाले नहीं है। इसीलिए हम मिरर वाइजर लगाते हैं और निकलते। तो दोस्तों निकल चले हैं अपने राइड पे। तो सुबह सुबह का वक्त है, राइड करने का भी मज़ा आएगा। तो पहले पेट्रोल पुरवा लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे। हम 4 जन जा रहे हैं, मैं और मुकेश मेरी बाइक पे, और राजू और राजन राजन की बाइक पे। तो ये रहा पेट्रोल पंप, यहाँ पहले पेट्रोल रिफिल करवाएंगे। ठीक ना, तो हम जाएंगे पहले राजकोट। राजकोट छोटा मोटा सा काम है, जो काम निपटाएंगे, फिर 2-3 दिन फुल एंजॉय करेंगे, चोटीला में एक रात ठहरेंगे। तो यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, तो यहाँ प्रे करके जाएंगे कि हमारी राइड अच्छी तरह से हो जाए। तो ये रहा वीरावर बाईपास। तो यहाँ से हम निकल चले हूँ, हम हाईवे पकड़ लिया है, अब साईं साईं करते सीधे राजकोट में जाएंगे। तो वो दोनों राज और राजन अभी तक नहीं आए, मैं धीरे धीरे जाता हूँ और वो लोग तो स्पीड में आ जाएंगे। ऐसा ही होता है, जो सुबह सुबह आप जल्दी निकलो तो आपको पूरा हाईवे फ्री मिलता है, आप जितनी चाहे उतनी भगा सकते हो। अब आपको पता भी हो गया होगा कि हम यहाँ इस रोड से निकले और यहाँ माल बापा का मंदिर आता है, वहाँ माथा टेक के ही आगे जाना है, आपको पता ही हो चलेगा। तो है वी आर जूनागढ़। तो हम जूनागढ़ में ही पहुँच गए, वो दो भाई का भी अटापटा नहीं है, जाने कहाँ रह गए। देखो देखो कौन आया, आ गए दोनों भाई। अबे इतनी देर कहाँ रुक गए थे, जूनागढ़ में आ गए, अभी तुम मिले हो वीरावर से। अब आपको पता चल गया होगा कि हम जूनागढ़ से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि जो पहाड़ों देखो कितने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है तो भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं, अभी और जल्दी आते तो बहुत बहुत सुंदर दिखते। और इतनी ज़्यादा बकरियाँ, बहुत है, पीछे भी बहुत बकरियाँ गई, मैंने अभी भी कैमरा शुरू किया है ना इसीलिए, लेकिन पीछे तो बहुत बकरियाँ थी। देखो देखो ये पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हमने परिक्रमा की थी, तो वहीं से ही पहाड़ की परिक्रमा की है, और फिर हम दिसंबर में फिर आएंगे गिरनार पर्वत चढ़ने के लिए सभी फैमिली के साथ। तो राजकोट अभी 71 किलोमीटर अभी भी दूर है, तो जरा तो एक ढाबे पे पहले रुकते हैं। राजकोट 40 किलोमीटर अभी है, हम एक ढाबे पे रुके हैं, चाय नाश्ता करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो इस लड़के को बहुत चाय चाहिए, चलो चलते हैं। तो ये हमारा होल्डर जरा दिक्कत कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चालू बंद हो रहा है। तो हम पहुंच गए राजकोट, अब राजकोट में जो भी काम है वो निपटाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। तो राजकोट में काम निपटाते शाम के 5 बज गए, और अभी हमको राजकोट से चोटीला 50 किलोमीटर दूर है, तो हमको 2 घंटे तो लगेंगे। तो हम कम से कम 7 या 7:30 बजे हम चोटीला में पहुंच जाएंगे। अच्छा हुआ हम घर से नाश्ता ले आए, और यहाँ नाश्ता कर रहे हैं पहले। चामुंडा अभी 30 किलोमीटर दूर है, इससे पहले हम रुके थोड़ा नाश्ता
करने के लिए घर से लाया था, तो अभी 30 किलोमीटर है वो कवर करते हैं और पहुंचते हैं चोटीला चामुंडा। तो सूरज दादा जाने ही वाले हैं और हमारे सभी दोस्त। मैं घर से मिरर वाइजर ही लिया था, क्लियर वाइजर नहीं लिया था, इसीलिए अब वाइजर खोल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। तो अंधेरा हो गया है इसीलिए अब वाइजर खोल के ही आगे चलना पड़ेगा, धूल मिट्टी सब अंदर ही आने वाली है। तो बीच बीच में इस पहाड़ों को काट काट के बीच में से रास्ता बनाया है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। फाइनली हम पहुंच गए चोटीला चामुंडा, वहाँ दूर से डूंगर दिख रहा है। हम चोटीला पहुंच गए, अभी बजे है 6:30 और हम जा रहे हैं पहले गेस्ट हाउस ढूंढने, फिर हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गया ऊपर दर्शन करने जाएंगे। ये रहा डूंगर, क्या खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग। तो ये रहा अपना रूम, ये रहा। तो सभी भाई नहा धो के फ्रेश हो गए, अब जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ कई जगह पे 70 रुपए में फुल थाली मिल रही है गुजराती, तो वो ही हम खाएंगे। तो हम आए हैं चामुंडा रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे हम खाएंगे फुल थाली 70 रुपए में। तो हम सब हमारे सभी भाई बैठ गए, भाई बैठ गए 70 रुपए में फुल थाली बैठ गए। यहाँ पे छाछ का पूरा जग ही उसने रख दिया, कहीं पियो जितनी चाहिए उतनी। छाछ से शुरुआत करते हैं। तो खाने में गुजराती आइटम तो ढोकड़ी नु शाक, चना नी दाल नु शाक, सेव टमेटा नु शाक, संभारो अने रींगड़ा बटेटा। हमने दो खत्म कर दिए और सबके पेट फुल टाइट। हम भर पेट खाना खा के आ गए, अब होटल में बाहर आराम कर रहे हैं। तो अभी बजे है 9:30, तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और 10 बजे तक सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हम सारंगपुर के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ से है 125 किलोमीटर, फिर पता नहीं वहाँ से हम कहाँ जाए। ऊपर डूंगर चढ़ेंगे चोटीला माँ के दर्शन करने के लिए। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चोटीला में रुके हैं, कल सुबह अभी सुबह के 10 बजे हैं और मैं गार्डन में निकल गया हूँ। मैंने सोचा था कि सुबह 10 बजे वीडियो एंड करूँगा। सभी भाइयों नहा धोने गए हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर में नहाता हूँ और फ्रेश होकर चोटीला सारंगपुर के लिए निकलेंगे। सारंगपुर यहाँ से है 90 किलोमीटर चोटीला से। तो इस वीडियो के एंड करते हैं, तो होप करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।